हमने लास्ट वीडियो में डीपी पैटर्न की एक प्रॉब्लम देखी थी, प्रेडिक्ट द विनर। आज हम इसी की थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम स्टोन गेम 3 इसको डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में भी आपको क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। अलाइस और वोग इस गेम को खेल रहे हैं। इस बार उनके पास चॉइस क्या है कि एक प्लेयर अपने टर्न में 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी स्टोन उठा सकता है लेफ्ट साइड से। हमारी पिछली प्रॉब्लम में क्या था, एक प्लेयर आइदर लेफ्ट या फिर राइट उससे एक स्टोन उठा सकता था। इस प्रॉब्लम में हमारा क्या है कि हमें चॉइसेस तो 3 दे दी, 1, 2 और 3, कि एक स्टोन उठाओ, दो स्टोन उठाओ या फिर 3 स्टोन उठाओ, लेकिन केवल एक ही साइड से आप उठा सकते हो, केवल लेफ्ट साइड से आप उठा सकते हो। एम हमारा क्या है, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना, गेम को विन करना। इस तरह से चॉइस करते हुए जब हमारा कोई भी स्टोन नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, जो जो स्टोन हमने उठाए होंगे उनकी वैल्यूज देखेंगे, उनका सम निकालेंगे, लास्ट में दोनों प्लेयर के सम को कंपेयर करेंगे कि अलाइस का सम ज़्यादा है या फिर वोग का सम ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली जिसका भी सम ज़्यादा होगा वो हमारे गेम का विनर हो जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से मिलती जुलती है, बस इसमें जो हमारी स्टोन पिकिंग की कंडीशन थी वो डिफरेंट है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे 5 स्टोन्स हैं, 2, 4, 3, 700। गेम की शुरुआत अलाइस करेगा, यानी कि टर्न अभी अलाइस के। तो अलाइस के पास चॉइस है कि वो एक स्टोन उठाए, दो स्टोन उठाए या फिर 3 स्टोन उठाए। तो सबसे पहले अप्रोच हम क्या सोचेंगे कि हम 3 स्टोन उठाएं ताकि हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन अलाइस अगर 3 स्टोन उठा लेगा तो यहाँ तक हमारा एरे फिनिश हो गया। अब बचे ये दो एलिमेंट, टर्न आएगी बोग की, तो बोग ये दोनों पिक कर लेगा, यानी उसके पास स्कोर कितना हो जाएगा, 107, और अलाइस का स्कोर कितना होगा, 2 + 4 = 6 + 3 = 9, यानी कि बोग जीत जाएगा। लेकिन अलाइस 3 स्टोन उठाने के बजाय अगर केवल एक ही स्टोन उठाता, अगर अलाइस केवल एक स्टोन यानी कि ये 2 पिक करता तो अभी अलाइस का स्कोर कितना हो जाता, 2 हो जाता, और यहाँ पर टर्न आ जाती बोग की। अब बोग के पास चॉइस क्या थी, एक उठाए, दो उठाए या फिर 3 उठाए। बोग कुछ भी उठा ले, सिंगल उठाता तो हम क्या करते, हम ये 3 उठा लेते, हमारे पास ये बड़ा 100 आ जाता और हम गेम जीत जाते। बोग अगर ये दोनों उठा लेता तो उस केस में हम ये 700 ये दोनों उठा लेते। बोग 3 उठा लेता, 437, तो उस केस में हम ये 100 उठा लेते। बोग कुछ भी चॉइस कर लेता हम ही गेम को जीतते। लेकिन कब, जब हम स्टार्टिंग में केवल एक चुनते, हम ग्रीडीली 3 स्टोन को उठाने ना जाते। तो अगेन इस प्रॉब्लम पर हम ग्रीडी अप्रोच नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि हमारी करंट चॉइस फ्यूचर स्टेट पर डिपेंड कर रही है। हमारी करंट चॉइस के लिए जो ऑप्टिमम है वो ग्लोबल ऑप्टिमम नहीं है। हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ कि हम एक उठाएं, दो उठाएं या फिर 3 उठाएं, इन तीनों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसलिए हमें लास्ट प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम में भी ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचनी पड़ेगी कि हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करें और जिस भी पाथ से हमें मैक्सिमम आंसर मिले हम वो रिटर्न कर दें। हमारे पास चॉइसेस क्या रहेंगी किसी भी स्टेट पर, कि हम लेफ्ट साइड से 1 उठाएं, 2 उठाएं या फिर 3 उठाएं। जितने भी हम उठाएंगे उसका स्कोर हमारे सम में ऐड हो जाएगा और फिर बोब की टर्न आ जाएगी और फिर बोब अपनी तीनों चॉइसेस को एक्सप्लोर करेगा कि वो 1 पिक करे, 2 पिक करे, 3 पिक करे। सिमिलरली अगर अलाइस ने 2 पिक की होती तो इस स्टेट पर बोब चूज करता कि वो 1 करे, 2 करे या फिर 3 पिक करे। सेम केस फॉर 3, ये 1 करना है, 2 करना है या फिर 3 करना है, यानी कि दोनों प्लेयर के पास हर एक स्टेप पर 3 चॉइसेस हैं और वो सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। हमारा रिकर्शन का कोड किस तरह से दिखेगा, सबसे पहले हमें रिकर्शन शुरू कहाँ से करना है, 0th इंडेक्स से करना है। अलाइस की टर्न होगी तो लेफ्ट साइड से 1, 2 या 3 उठा सकता है, यानी कि वो 0th इंडेक्स से शुरू करेगा। तो हम रिकर्सिव फंक्शन में 0th इंडेक्स पास कर देंगे और ये हमारा स्टोन वैल्यू जो भी हमारा गिवन एरे वो पास कर देंगे। जो भी हमारे इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें कंपेयर करना है कि अगर वो रिजल्ट 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि अलाइस का स्कोर ज़्यादा है। हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अलाइस का स्कोर माइनस बोब का स्कोर, इन दोनों का डिफरेंस रिटर्न करेगा। तो हम यही चेक करेंगे, अगर हमारा रिजल्ट 0 से बड़ा आया इसका मतलब क्या है कि अलाइस का स्कोर ज़्यादा है और वो जीत गया। अगर स्कोर 0 से छोटा आया इसका मतलब क्या है कि बोब का स्कोर ज़्यादा है और वो विन कर जाएगा। और अगर हमारा रिजल्ट 0 आया तो दोनों का स्कोर बराबर है और इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, टाई। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके बेस पर हम कंडीशन लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसे दिखेगा। रिकर्सिव फंक्शन में हमारे पास इंडेक्स आ गया और हमारा एरे आ गया। सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, जब भी हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची, तो हम कितना स्कोर अचीव कर पाएंगे, 0। हम कोई स्टोन पिक ही नहीं कर सकते तो हमारा स्कोर कितना होगा, 0 होगा, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ चॉइसेस बची हैं, तो हमें सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है कि हम 1 पिक करें, 2 पिक करें या फिर 3 पिक करें। इसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, pick 1, pick 2, pick 3, तीनों केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। पिक 1 का केस क्या होगा, हम आईएफ स्टोन जो भी हमारा इंडेक्स है वहाँ पर उस स्टोन को हम पिक कर लें और फिर टर्न नेक्स्ट प्लेयर को दे दें, यानी कि इंडेक्स +1 से नेक्स्ट प्लेयर के लिए रिकर्शन कॉल कर दें और हमारे
करंट प्लेयर का स्कोर माइनस नेक्स्ट प्लेयर का स्कोर, ये हमारा क्या हो जाएगा अगर हम एक स्टोन पिक करें तो इसका रिजल्ट। सेम केस अगर हम टू पिक करें तो क्या होगा, हम आईथ इंडेक्स की वैल्यू पिक करेंगे और आई प्लस वन इस इंडेक्स की वैल्यू पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने दो स्टोन पिक किए, और फिर इंडेक्स प्लस टू यहाँ से नेक्स्ट प्लेयर के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। सेम केस हम पिक थ्री इसके लिए करेंगे, आईथ आई प्लस वन आई प्लस टू ये तो हमारे लिए होगा, आई प्लस थ्री से हम नेक्स्ट प्लेयर के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। और पिक टू और पिक थ्री में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स का स्कोर भी ऐड कर रहे हैं, तो उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट इंडेक्सेस हमारे विद इन बाउंड तो हैं, हमारे एरिया में प्रेजेंट तो हैं, उसके लिए हमने आई प्लस वन लेस देन एन और आई प्लस टू लेस देन एन इन कंडीशन को लगा लिया। हमारे पास पिक वन पिक टू पिक थ्री ये तीन स्कोर आ जाएंगे, हमें क्या करना है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इन तीनों का मैक्सिमम जो भी होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम की तरह जो हमने प्रेडिक्ट द विनर प्रॉब्लम की थी बिल्कुल उसकी तरह, बस उसमें क्या था हमारे पास दो चॉइसेस थी तो हम दो चॉइसेस के लिए रिकर्शन कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास तीन चॉइसेस हैं तो हम तीन चॉइसेस के साथ रिकर्शन को कॉल कर रहे हैं। और इसकी हमारी टाइम ओवरेस्टी क्या आएगी, हर एक स्टेप पर हमारे पास थ्री चॉइसेस हैं और हमारे पास एन स्टेप्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी टाइम ओवरेस्टी क्या आ जाएगी, थ्री रेज टू पावर एन, और हमें स्पेस कितना लगेगा, मैक्सिमम डेप्थ जहाँ तक हमारी जा सकती है ओ ऑफ एन हमारे रिकर्शन के स्टैक स्पेस के लिए। नाउ जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था, अगर हम उसका रिकर्शन ट्री बनाते हैं तो हमारी कुछ सब प्रॉब्लम्स रिपीट होगी, अगर सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पर डीपी यानी कि मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। सेम केस अगर आप इसका रिकर्शन ट्री बनाओगे तो आप देखोगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इस पर भी हम डीपी लगा सकते हैं। डीपी लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारी चेंजिंग स्टेट्स क्या है, हमारी चेंजिंग स्टेट्स क्या है, ये आई है हमारा इंडेक्स, और इसकी रेंज क्या होगी, जीरो से लेकर एन माइनस वन यहाँ तक जाएगा, यानी कि एक एन साइज का रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एन साइज का डीपी वेक्टर ले लेंगे और हर एक स्टेट को मेमोराइज कर लेंगे कि जब भी हमने उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट टाइम हमसे सेम सब प्रॉब्लम दोबारा पूछी गई तो हम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, जो वैल्यू हमने मेमोराइज की होगी हम डायरेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा बेस केस चेक करेंगे, बेस केस चेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या इस स्टेट को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं से उसका रिजल्ट रिटर्न कर दो, अदरवाइज अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो। और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, हम उस डीपी स्टेट में इस आंसर को मेमोराइज कर लेंगे ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम यहाँ से रीयूज कर सकें। तो हमारा डीपी का कोड किस तरह से दिखेगा, सबसे पहले हमें एक एन साइज जो भी हमारे एरिया का साइज है उस साइज का डीपी वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें हम स्टेट्स के रिजल्ट को मेमोराइज करेंगे, फिर हम इस डीपी एरे को अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेस केस चेक करेंगे, बेस केस चेक करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इस स्टेट का रिजल्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि अभी हमारे डीपीआई पर क्या पड़ा है, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हम डिफॉल्ट वैल्यू से इसे इनिशियलाइज करेंगे वो पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और वैल्यू है यानी कि इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, हम इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम उसको यहीं से रिटर्न कर देंगे, हमें इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया यहाँ से तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न करने से पहले उस वैल्यू को डीपी ऑफ आई इसमें मेमोराइज कर लेंगे ताकि यहाँ पर हम इसको रीयूज कर सकें। और इस डीपी की वजह से हमारी टाइम ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, हमारी एन स्टेट्स होंगी, हमारे एन इंडेक्सेस हैं तो हमारी एन स्टेट्स होगी, और हर एक स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली तीन चॉइसेस कर रहे हैं, यानी कि हमारी टाइम ओवरलैपिंग किसमें आ जाएगी, ओ ऑफ थ्री एन, जिसको हम कह सकते हैं कि ओ ऑफ एन, हमारी टाइम ओवरलैपिंग अब आ गई ओ ऑफ एन में, और हमें स्पेस कितना लगेगा हमारे डीपी वेक्टर के लिए ओ ऑफ एन, इतना ही हमें स्पेस लगेगा। तो गेम थ्योरी में आपसे डीपी रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उनमें जनरली क्या होता है कि आपको एक एरे दिया है, फिर आपके पास उस एरे में से कुछ एलिमेंट पिक करने के लिए लिमिटेशंस है कि जैसे लेफ्ट से पिक कर सकते हो, राइट से पिक कर सकते हो, एक पिक कर सकते हो, दो पिक कर सकते हो, एन पिक कर सकते हो, इस तरह से आपकी जो पिक करने की चॉइसेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, किसी में कह देंगे थ्री पिक करो, किसी में कह देंगे वन पिक करो, किसी में कह देंगे केवल राइट साइड से पिक कर सकते हो, ये चॉइसेस आपकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम में आप क्या देखते हो कि सबसे पहले आप इन पर ग्रीडी नहीं लगा सकते, ग्रीडी कब लगा सकते हो जब आपकी फ्री चॉइस हो कि आप पूरे एरे में से कहीं से भी चुन सकते हो, लेकिन डीपी प्रॉब्लम में जनरली आपका क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप एक साइड से चुन सकते हो, कुछ लिमिटेड वैल्यू तक चुन सकते हो, तो इस तरह से आपकी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, बेसिकली अपना एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देना है जिसके अंदर आप सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, और फिर जो आपको रिजल्ट चाहिए मैक्सिमाइज करना है तो सारे रिजल्ट का मैक्सिमम ले लोगे, मिनिमाइज करना है तो सारे रिजल्ट का मिनिमम ले लोगे,
वो रिजल्ट आप रिटर्न कर दोगे। और फिर ये चेक करने के लिए कि आप इन पर डीपी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल सा एक रिकर्शन ट्री बनाओगे। आप अपना एक कोई एग्जांपल लोगे और उस पर फिर रिकर्शन ट्री बना के देखोगे कि क्या आपकी सब प्रॉब्लम स्टेट्स रिपीट हो रही हैं। अगर रिपीट हो रही हैं तो आपको उस पर मेमोइजेशन यानी कि डीपी लगा देनी है। और डीपी कैसे लगानी है, आपको सिंपली ये देखना है कि आपकी चेंजिंग स्टेट्स क्या क्या है। जो जो आपकी चेंजिंग स्टेट्स होगी उसके लिए आपको एक वेक्टर लेना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट को आप रिटर्न करोगे उस वेक्टर में उस रिजल्ट को पहले मेमोइज करना पड़ेगा। और अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करने से पहले ये चेक करना होगा कि अगर इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो यहीं से उसको डायरेक्टली रिटर्न कर दो। और आपकी टाइम लिस्ट क्या रहेगी, जितनी जनरली आपकी स्टेट्स होंगी उतनी आपकी टाइम लिस्ट आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जो भी आप ये एरे का साइज लोगे वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। नाउ हमने डीपी बेस्ड टू प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। इन प्रॉब्लम का मेन एम था कि आपको जनरल स्ट्रक्चर से अवेयर कराना कि किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, बाकी इनका कोई एंड नहीं है। आपकी जो स्टोन पिक करने की चॉइसेस हैं उनमें स्लाइट स्लाइट वेरिएशन करके कि आप 1 चुनो, 2 चुनो, राइट साइड ही चुन सकते हो, आप 3 का मल्टीपल चुन सकते हो, आप स्क्वेयर ही चुन सकते हो, इस तरह से अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगा के आपकी पिक करने की चॉइसेस को अलग अलग कर सकती है। उस बेसिस पर आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर आपका इस तरह से ही रहेगा कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना है और फिर उस पर मेमोइजेशन लगानी है। आई होप कि आपको डीपी पैटर्न की ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कोई ना कोई वेरिएशन इंटरव्यू में जनरली पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज का सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न ग्राफ बेस्ड डीपी उसको डिस्कस करेंगे।